पसीना देखो पसीना कैसा आ रहा है, पसीना बच्ची को चाय मेरी रखी हुई है। अब मैं आपको दिखाऊं जाएगा मेरी चीजें। ये देखें जी जैगम क्या कर रहा है, जैगम लगाइए मेरी चीजें। सबसे पहले आप लोग जो है अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आपके, आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। लाइक कर दें बोलो, बोलो लाइक कर दे, लाइक कर दे। ये बहुत शैतान है हमारी बेटी, बहुत शैतान है। अच्छा जी, तो अभी जो है व्लॉग का स्टार्ट मैंने कर लिया है जी। तो हमने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है और व्लॉग ट्यूमर्स को तो जो है ना बच्चों के जी पेपर चल रहे हैं, ईद हमारी गुजर गई है, ईद के क्यों व्लॉग नहीं डले, तो ईद के व्लॉग क्यों नहीं डले और व्लॉग अब मैंने अपलोड कराए तो वो इतनी देर से क्यों कराए, तो इन सब के सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी लेकिन आगे जाके। लेकिन पूरा व्लॉग आपने देखना है, व्लॉग को स्किप नहीं करना है क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं व्लॉग डाली थी। मुझे कॉमेंट में बताना है कि कौन कौन मेरे जो है ना हमारे जो है ना व्लॉग को जो है ना मिस कर रहा था या किसको जो है ना देखने की ख्वाहिश थी लेकिन नहीं देख पा रहा था। तो अभी जो है व्लॉग अब इंशाल्लाह 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 कंटिन्यू करेंगे। तो जो है अगर आपको हमारे व्लॉग देखना है तो इस वाले व्लॉग में, अगर आपको पहले देखना था तो इस वाले व्लॉग में कमेंट कर दें कि हमें देखना था, देखना था यानी समझ गया बात, देखना था देखना था, ठीक है। अच्छा बेसिकली क्या होता है कि जो है हम बच्चों में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा मसरूफ़ क्या हो गए, बच्चों के हो रहे हैं फाइनल पेपर, क्या हो रहे हैं फाइनल पेपर हो रहे हैं और जो है ना इनको जो है ना बस पढ़ाई के लिए बिठाना पड़ता है। सब बच्चों का यही हाल है आजकल, क्योंकि हमारा जो है ना सोशल मीडिया ने इतना दौर जो है ना ख़राब कर दिया है। लेकिन अपने ऊपर भी होता है कुछ, ये देखें इस बंदर को देखें आप, बंदरों की तरह ही हरकतें करता रहता है पागल। यहाँ पर जो है मैं लोगों को बोल रही हूँ ए नाश्ता करो, नाश्ता रखा हुआ, ये देखिए किसा को जो है मैंने नाश्ते में हमारे पास कबाब पराठा। सलाम किया, नमस्कार नमस्कार, हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। पागल हो गई इन लोगों ने, दिमाग की तवाज़ुन पेपरों ने इन लोगों इन दोनों का बच्चों का ना पेपरों ने जो है ना दिमागी तवाज़ुन बिगाड़ दिया है, ठीक है। अच्छा गद्दे को इग्नोर करिए, चादर वादर इन लोगों ने सब तबाह बर्बाद कर दिए। ब्लॉग में डालूंगी, जो रियलिटी होती है वही दिखाना चाहिए। आयमा बतूल क्या कर ली ये लोग, आयमा आज आपने बियर की बात सुनी थी ना, बियर अच्छा किसा की खिड़की खुल गई है। किसा अपना कबाब पराठा जो है फिनिश करो क्योंकि किसा को जो है अच्छा जी। अच्छा कुछ बच्चों के पेपर हो रहे हैं और कुछ बच्चों के पेपर का सीजन बच्चों के लिए ऐसे आता है जैसे हैं ती है। चलो आओ आयमा को नाई नहीं कराऊं, मैं आपसे एक सवाल पूछना, आयमा को नाई नहीं कराऊं, आयमा को नाई नहीं कराए, चलो करो ना, ये नाई नहीं से बहुत डरती है, ठीक है ये पानी से डरती है और जो है ये नाई नहीं से क्यों डरती हैं आप, क्यों डरती हैं आप, तो नाई नहीं से क्यों डरती हैं आप, कर दिया। अच्छा जी यहाँ पर जो है ये बैठा हुआ है, कल कौन सा पेपर है, कैमरा खराब किसान पेपर कौन सा है कल, इस्लामियात। तो कितने पेपर हो गए हैं, दो पेपर हो गए हैं, किसा का कौन सा है मेरा, सीरियस हो गए जवाब दो क्योंकि पेपर चल रहे हैं। नहीं 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 कहीं नहीं जाओ, बैठ जाओ, मैं नहीं नहलाऊंगी, अरे मैं नहीं नहलाऊंगी, देखें ये तो चली गई है क्योंकि इसको जरा सा भी नहाने का मैं बोलती हूँ ना इसको यकीन होता है कि अप्पो तो पकड़ के नहला देगी, हाथ हाथ उसका आ जाएगा। कभी कभार माइक्रोसॉफ्ट भी गलत हो जाता है। तो अभी जो है यहाँ पर बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, जैगम को मैंने कहा है कि इस्लामियत का पेपर है तो याद करो, याद करो। अच्छा एक मिनट याद कर लिया, अब बात सुनो मेरी, यहाँ पे क्या हाँ टैग लगा हुआ है हलाल, तो ये चीज हलाल होगी ना, हलाल है लेकिन आजकल जो है ना बहुत ज्यादा ये आ रहा है कि ये मत खाएं ये जहर है बच्चों। अच्छा जी यहाँ पर जो है ये शाम का टाइम है और रमजान नहीं है ये,
ये नॉर्मल डेज हैं। और जो है यहाँ पर जो है फ्रेंच फ्राइज़ मैं बना रही हूँ आलू के, क्योंकि आलू आ गए थे मंडी से बहुत सारे, तो वो ख़त्म ही नहीं होकर दे रहे थे और वो ना अजीब से पिलपिले से हो गए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो है ना ज़्यादा ख़राब होने से बेहतर है कि बंदा जो है ना आलू के चिप्स वगैरह बच्चों को कुछ शाम में दे दे बना के। तो यहाँ पर जो है एक कढ़ाई मैंने रख दी है, साथ ही यहाँ पर पापड़ भी मैंने तल दिए हैं, किसा मेरे सर पे खड़ी रह गया। और यहाँ पर जो है इसमें मैंने सिंपल जो है ना अरारोट डाला है, ठीक है, और नमक डाला हल्का सा और डाल के उसको मिक्स कर दिया, ठीक है। और जो है यहाँ पर जो है शाम की चाय भी बन रही है और यहाँ पर जो है फ्रेंच फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, बाज़ार से भी हम मंगा के खा सकते हैं, लेकिन जो है खाते ही हैं, जाहिर सी बात है जब नहीं दिल चाह रहा होता बनाने का तो बाज़ार से ही ज़्यादातर बाज़ार से ही आता है। तो अभी जो है घर में सोचा, मैंने कुछ टाइम नहीं था, मतलब कुछ करने को नहीं था, और जो है ना तो मैंने कहा चलो फारिग है भाई, फारिग टाइम में थोड़ा सा अपने आप को बिजी कर लेना चाहिए। और यहाँ पर जो है कढ़ी बनाई थी अम्मी ने रात में, मतलब कल। तो कढ़ी देखें, ये देखें कितनी मज़े की लग रही है। तो ये कढ़ी भी रखी हुई है और कढ़ी के साथ हम बनाएंगे चावल, ठीक है। और साथ ही मैं आपको दिखा देती हूँ कोफ्ते जो अभी रात में बनेंगे ना, जो खाना बनेगा वो बनेगा कोफ्ते का खाना, सालन मतलब। तो ये अम्मी ने बना के जो है ना फ्रीज़र में करे हुए थे कल, तो मैंने कहा था बस कल बनाने निकाल के, और बस टाइम नहीं लगेगा इतना। वो फिर पूरा बनाते हैं ना, पूरी जो है ना उसकी तैयारी करते हैं, कोफ्ते बनाते हैं, फिर मसाला बनाते हैं, वो ज़्यादा टाइम लग जाता है। बने हुए होते हैं ना फ्रीज़र में तो फिर आराम से बन जाते हैं। ये देखिए कलर कितना प्यारा लग रहा है ना। तो ये हम चाय का इंतज़ाम कर रहे हैं अभी, और ये रमज़ान के पापड़ रखे हुए थे तो मैंने कहा तल लेते हैं, और भी बहुत सारे रखे हैं। तो अभी मैं यहाँ पर फ्राई करती हूँ, जब ये निकालूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हम लोगों ने चिप्स वगैरह खा लिए थे, और सिंपल मैं आपको सालन दिखा देती हूँ। सालन मज़ेदार बन रहा है, और आप यकीन जाने इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतना मज़े का बनाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह से मैंने बहुत मज़े का बनाया। आज हमने कोफ्ते बनाए हैं, और साथ ही मैंने आपको कढ़ी भी दिखाई थी, कढ़ी भी रखी हुई है। और थोड़े से मैं चावल बना रही हूँ सादे, ताकि जो है जिसको कढ़ी के साथ डाल के खाना हो या कोफ्ते का सालन डाल के खाना हो तो वो भी मज़े का लगे। साथ ही बट्टी की रोटी भी अम्मी ने मंगवा ली है। तो जी, बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रही हैं, और व्लॉग जो है आप क्यों नहीं बना रही हैं। तो देखिए, बहुत सारी मसरूफियात हो गई थी, और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जो है ना एकदम से टेंशन्स में आ गई थी, और मेरी अपनी जाती, तो जो है ना जिसकी वजह से जो है ना मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, बिल्कुल मैं बिल्कुल उदास हो गई थी। तो मैंने सोचा नहीं भाई, ये ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। और जब हम आगे बढ़े होते हैं तो बहुत से लोग जो है आपको डीमोटिवेट कर रहे होते हैं कि भाई नहीं छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होगा, या ये वो, ऐसी बातें चल रही होती हैं जो आप इर्द गिर्द के लोगों से सुन रहे होते हैं। अगर आपने उन लोगों की बातों को अपने ऊपर रख लिया और सुन ली उनकी बातें, तो आप यकीन जाने आप दुनिया में और इस दुनिया में और अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा अच्छी बात को सुनें, और जो बुरी बात अगर आपके अगेंस्ट हो रही है या आपको लग रहा है कि मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इसका ये जो है ना ये नेगेटिव है मेरे लिए, तो इसको बिल्कुल इग्नोर कर दें बात को। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही चला सीन। ईद के बाद, ईद से पहले जो है ना मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हुई, ना व्यूज़ आ रहे थे, ना मुझे कुछ अच्छा लग रहा था, और मैं ख़ुद अपने ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, मेंटली टेंशन में भी थी। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग को अभी थोड़े दिनों तक रोक देना चाहिए, और जो है अपनी लाइफ को थोड़ा सा सेटल करना चाहिए। तो अभी जो है मैं अब दोबारा से मैंने सोचा कि नहीं, कब तक मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, और ये ज़िंदगी है, ऊंच नीच तो आती ही रहती है, अच्छा बुरा तो सबके साथ है। तो व्लॉग मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, मेरे साथ साथ बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सोच रही थी कि अब जो डलेगा वो व्लॉग नहीं डलेगा, और जो अब डल चुका है वो आखिरी व्लॉग होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोबारा से मुझे सब ने यही कहा कि भाई आप मोटिवेशन आपको मिलनी चाहिए, और आप डीमोटिवेट ना हो, ठीक है। और जो है यहाँ जिस तरह देखें चावल अब ये बनने वाले हैं, साथ साथ यहाँ पर मैं चावल भी बना रही हूँ, ताकि दायरे में छोड़ के जाऊँगी ना तो फिर ये उबल जाएंगे। तो बस कहने का मकसद ये है कि हर इंसान की ज़िंदगी में ऊंच नीच आती है, अच्छा बुरा आता है, लेकिन उसे फ़ेस करना होता है, और फ़ेस करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं।
तो जो है कभी भी अपने जो है ना इर्द गिर्द के लोगों की बातों को, गलत बातों को ना सुने। अच्छा बुरा बता, कुछ लोग अच्छा बताते हैं, कुछ लोग बुरा बताते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप उनकी क्या बात सुनते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं ब्लॉग भी अपना एंड करती हूँ, छोटा सा ब्लॉग था। इस तरह जो है आप मेरा जो ब्लॉग है देख के कमेंट करिएगा कि किस किस को मेरे ब्लॉग का इंतज़ार था, कौन कौन मेरे ब्लॉग का इंतज़ार कर रहा था और ये सोच रहा था कि अब शायद ये ब्लॉग नहीं डालेंगी और ये ब्लॉग इनके ब्लॉगिंग बंद हो गई है, ब्लॉग नहीं डलेगी, वीडियो नहीं डलेगी। तो उन सब के लिए जी कमेंट्स, वो सब कमेंट्स करें मुझे और बताएं। तो मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, सर आए हुए हैं ट्यूशन वाले, क्योंकि पेपर चल रहे हैं बच्चों का, ज़्यादा टाइम जो है वो बस अभी थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ ही है। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।